हमारे अच्छी तरह से कचपन दूर हो के खत्म हो गया। अब हम इसके बीच में जो हमने मेथी ली थी, मेथी और धनिया काट कर फ्रेश डाला था, ये अब हम डालने लगे। ये देखिए, ये सारी इसके बीच में मेथी डालेगी जाएगी। और याद रखिए, जब भी आप मेथी डालें तो आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना, उससे मेथी जो होती है वो कोरी हो जाती है। इसको हम ऐसे भूनेंगे, फ्लेम अपना हम हाई कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे और ढक्कन बिल्कुल भी नहीं रखना। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, देखिए सारे स्पाइसेस पिछली वीडियो में डाल चुके हैं, पहली टू वीडियोस देख लीजिए, ये थर्ड पार्ट की वीडियो है। ये देखिए, ये हम अच्छी तरह से मिर्चों वाली बना रहे हैं मज़ेदार सी आलू मेथी, और आपको ट्रिक्स भी बता रहे हैं कि किस तरह से आपकी मेथी कोरी ना हो लेकिन मज़ेदार भी बने। तो उसके लिए मैंने आपको दूध की मलाई बताई थी और चाइनीज़ नमक बताया था कि हाफ़ टेबल स्पून आपने ऐड करें तो आपकी मेथी जो है वो कौड़ी नहीं बनती बल्कि मज़ेदार बनती है। और डब्बे वाली मेथी और इसमें टेस्ट डिफरेंट होता है, ये ज़्यादा मज़ेदार बनती है। फ्रेश मेथी डालकर अब हम इसको हाई फ्लेम पर भून रहे हैं, ढक्कन नहीं रखना बिल्कुल भी। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया, इसका ऑयल निकला है सारा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक दीजिए हमें अपना कमेंट के ज़रिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी अच्छी लग रही हैं और क्या बेहतरी आनी चाहिए वीडियोस में। तो आप हमारी वीडियोस सारी देखें। तो ये हम अच्छी तरह से इसको भून रहे हैं, ये देखें ये देखिए, हम अच्छी तरह से इसका ऑयल जब तक नहीं निकलेगा खुश्क होने लगेगी तो उतनी देर तक हम भूनते रहेंगे। अभी जो हम इसके बीच में जो ऐड करने जा रहे हैं वो हम दूध की मलाई है, 2 जो खाने वाला चम्मच है, 2 से 3 हमने चम्मच जो लिया था मलाई ली थी दूध की, वो अब हम इसके बीच में ऐड कर रहे हैं। हाफ कप ऑफ दही भी, योगर्ट भी आप बीच में ऐड करेंगे तो टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ये हमने इसके बीच में मलाई डाल दी है, हम मलाई डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से, बहुत अच्छी ये टेस्ट बनता है इसका। इसको मिक्स कर लेते हैं, बहुत मज़ेदार सी ये हरी मिर्च वाली आलू मेथी रेडी हो जाएगी। ये 4 पार्ट्स में हमारी आलू मेथी की वीडियोस बनेंगी, पिछली भी आलू गोश की बनाई थी वीडियो, वो भी 4 पार्ट्स की हैं, वो भी आप देखिए तफसीलन डिटेल के साथ। ये अब हमारी खुश्क हो गई, 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम इसके बीच पे आलू ऐड करेंगे और पानी आपको बताएंगे कि कितना क्वांटिटी का पानी हमने डालना है और कितनी देर के लिए गलने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। इसको चेक लेंगे हम कि नमक हमारा हसब ज़रूरत टेस्ट के मुताबिक डाल देंगे। अब ये हमारा छोड़े हम, इसके बीच में अब जाएगा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, जैसे कि हमें कम लगे तो अब हम हाफ टेबल स्पून और ऐड कर रहे हैं नमक और इसको मिक्स कर लेंगे। और हम इसके बीच में हाफ टेबल स्पून चाइनीज़ नमक ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून, ये हाफ टेबल स्पून हमने चाइनीज़ नमक ऐड कर दिया। देखिए बहुत मज़ेदार सा टेस्ट बनेगा आलू मेथी का। इसको 10 से 15 मिनट भूनना है आपने बिना ढक्कन के, अच्छी तरह ऑयल निकला है और ये सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के लिए आप भून लें, 5 से 10 मिनट के लिए। जैसे कि ये बबल्स बन रही हैं तो हम इसको मिक्स करेंगे
अच्छी तरह से लगड़ी है नीचे बबल्स के जरिए। तो ऑल डिटेल से वीडियो बताई है मैंने आपको। इसको मिक्स करने के बाद अब हमारी बुन गई है, तो अब हम इसके बीच में क्यूब्स की शक्ल में जो हमने आलू कट किए थे वो अब हम डाल रहे हैं। ये हम आलू डाल रहे हैं इसके बीच में, इसको देखते चलो। ये हमारे आलू जा रहे हैं इसके बीच में, बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी बनेगी आपकी आलू मेथी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। अगर आपको मिर्च कम लगे तो और मिर्च आप ऐड कर सकते हैं इसके बीच में, हरी मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। हमने 10 से 15 यूज़ किए हैं हरी मिर्च, ये हरी मिर्च वाली आलू मेथी बनी है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, इसको भूनेंगे। ये देखिए बबल्स मान लिए, और ये जब अच्छी तरह से इसके इसको भुना जाएगा 10 मिनट के लिए, तो उसके बाद जो है हम घी निकल आएगा। जब अभी घी निकल रहा है, घी जब निकल आएगा तो उसके बाद हम एक गिलास पानी ऐड करेंगे इसके बीच में। ये देखिए ये एक गिलास जो हमारा पानी है, हम ये एक गिलास पानी ऐड करेंगे इसके बीच में जब हमारा ऑयल निकल आएगा आलू मेथी का, अच्छी तरह भुन जाएगी उसके बाद हम पानी एक गिलास ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से आलू जब गल जाएंगे तो हमारी फिर आलू मेथी रेडी हो जाएगी। तो ये देखें, ये है हमारी आज की वीडियो। तो इसमें इस तरह से हमने आलू मेथी बनानी है, तो इस तरह बहुत अच्छी बनेगी। जब ये भून जाए ऑयल निकलाए फिर एक गिलास पानी डालकर इसको छोड़ दें। और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस किस तरह लगी। मोर वीडियोज़ के लिए अपडेट होती रहेगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।